ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली भारत लौट गए, तो इसके बाद टीम के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे बने, जो पहले टीम के उपकप्तान रहे थे। इसके बाद दूसरे टेस्ट के लिए टीम का उपकप्तान मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा बने, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच के लिए अब उनकी जगह टीम में नया उपकप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट के लिए वापसी कर चुके हैं और रोहित को टेस्ट उपकप्तान बनाए जाने की घोषणा बीसीसीआई की ओर से की गई है। ये पहला मौका है जब रोहित शर्मा को टेस्ट मैच के लिए वाइस कैप्टन बनाया गया है। इससे पहले वो भारतीय वनडे और टी20 में वाइस कैप्टन रहे हैं। पुजारा को दूसरे टेस्ट के लिए वाइस कैप्टन बनाया गया था, लेकिन रोहित की वापसी के बाद उन्हें एक मैच के बाद ही इस पद से हटा दिया गया। रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने साल 2013 में भारत के लिए डेब्यू किया था। उसके बाद से अब तक उन्होंने कुल 32 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 2141 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक भी शामिल है। रोहित शर्मा टेस्ट टीम से हमेशा ही अपने प्रदर्शन के आधार पर अंदर बाहर होते रहे हैं। 2019 वनडे वर्ल्ड कप में बेहद सफल रहे रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट टीम में जगह नहीं दी गई थी। हालांकि वो टीम के साथ थे, लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद होम सीजन शुरू होने पर उन्हें टेस्ट टीम का ओपनर बल्लेबाज बनाया गया, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद नवंबर 2019 में वो इंजर्ड हुए और उसके बाद वो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। अब जाकर एक बार फिर उन्हें टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला है। तीसरे टेस्ट में वो ओपनर की भूमिका निभाएंगे या फिर मध्यक्रम में रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। भारत को तीसरा टेस्ट मैच कंगारू टीम से 7 जनवरी को खेलना है।